हेलो दोस्तों, वेलकम टू महेश ट्यूब। महेश ट्यूब में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है, राइट। आप मुझसे महेश ट्यूब पर जुड़ सकते हैं। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। और आज का जो मेन टॉपिक है हमारा, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसको शॉर्ट में CBDC भी बोलते हैं, ठीक है, CBDC। आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अक्ली हम आज क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि RBI अभी इस प्रोसेस में है या ऐसा सोच रही है कि वो इम्प्लीमेंट करे CBDC को। फेस्ड मैनर में इम्प्लीमेंट करना चाह रही है। फेस्ड मैनर क्या होता है, जैसे कि आप समझते हैं कि कोई भी चीज़ है तो डायरेक्टली सबके लिए, पूरी पब्लिक के लिए, आम पब्लिक प्लस ऑफिशियल जो गवर्नमेंट सर्वेंट है सबके लिए, या फिर पूरे इंडिया में उसको एक साथ इम्प्लीमेंट करना, मतलब एक चैलेंजिंग टाइप का होता है कि बाय द वे वो चीज़ सक्सेस हुई या नहीं हुई। अगर पूरे सबको एक साथ कर दिया जाए सबके लिए, तो अगर सक्सेस नहीं हुई तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, या एक बहुत तो उसका नेगेटिव इफेक्ट होता है, जिसके कारण क्या होता है कि कुछ फेस मैनर में काम किया जाता है कि कुछ पर्टिकुलर एरिया में या कुछ पर्टिकुलर ऑफिशियल के लिए उसको ओपन किया जाए। और अगर उसका सक्सेस रेट सही है, मतलब सफल होती हुई दिख रही है, तो उसको फिर सबके लिए ओपन कर देना, इसको फेस मैनर कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए RBI अभी फेस माइनर में इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। किसके लिए फेस माइनर में, होलसेल जो होते हैं या रिटेल सेगमेंट्स होते हैं, इनके लिए फेस माइनर में अभी चालू करने की सोच रही है। कुछ इसके स्टेप अभी रिसेंट में लिए गए हैं। क्या स्टेप हैं, देखिए, सेंट्रल बैंक इसका जो इंट्रोडक्शन है CBDC का, यूनियन बजट 2022-23 में, मतलब 2022-23 में इसको मेंशन किया गया है, जिसमें गवर्नमेंट जो है, RBI का एक एक्ट है 1934 में, उसको फाइनेंस बिल के 2020 उसमें इसको अमेंडमेंट करी है, ठीक है। इसका जो ऑफिशियल इंडिया की ऑफिशियल डिजिटल करेंसी इज लाइकली टू डेब्यूट अर्ली 2023, मतलब अगले नेक्स्ट ईयर 2023 के स्टार्टिंग में ये हो सकता है कि इंडिया में आ जाए, पॉसिबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होती के पहले इसके बारे में तो जान लें कि ये क्या है। देखिए, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एक नेशनल डिजिटल करेंसी है। इसको सिंपली हम डिजिटल फॉर्म ऑफ कंट्री फिएट करेंसी, ये वर्ड ध्यान देना आप। जैसे कि डिजिटल फॉर्म मतलब कि जैसे हम करेंसी, अभी करेंसी अथवा कॉइन, नोट्स या कॉइन यूज़ करते हैं, तो क्या होता है कि इसमें गवर्नमेंट का बहुत सारा, उसको बनाने में, उसको मैनेज करने में, इम्प्लीमेंट करने में या पब्लिक के पास डिस्ट्रीब्यूट करने में बहुत सारा गवर्नमेंट का पैसा लगता है, उसकी पावर लगती है, ठीक है। तो उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कि ये चीज़ें ना लगे, जिसके लिए गवर्नमेंट ला रही है, CBDC ला रही है, ठीक है। ये एक टाइप की डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी है, ठीक है। इसको हम फिएट करेंसी बोलते हैं। फिएट करेंसी क्या होती है, फिएट करेंसी वो चीज़ होती है जिसको गवर्नमेंट, मीन्स गवर्नमेंट का मतलब जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गई, उसकी कोई डिजिटल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। इंडिया में, इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट कौन, सेंट्रल बैंक कौन है, तो सेंट्रल बैंक जो इंडिया की है, RBI है, तो वो उसको डिजिटली, मतलब गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको सपोर्ट करती है, लीगली है, लीगली सपोर्ट करती है, मतलब ये एक लीगल करेंसी है, उसको फिएट करेंसी बोलते हैं, ठीक। इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग पेपर, देखिए, इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग पेपर और मिंटिंग कॉइन, मतलब कॉइन को मिंट करना, द सेंट्रल बैंक इशू इलेक्ट्रॉनिक टोकन। इसमें क्या है, सेंट्रल बैंक RBI जो है इंडिया की, वो एक टोकन इशू करेगी। दिस टोकन वैल्यू इज बैक्ड बाई फुल फेथ एंड क्रेडिट ऑफ द गवर्नमेंट। इसी का मतलब ये फिएट करेंसी होता है कि जिसको गवर्नमेंट जो है पूरी तरीके से सपोर्ट करेगी, उसका फुल फेथ होगा। CBDC इज नॉट कंपेरेबल विथ प्राइवेट अथवा वर्चुअल करेंसी अथवा क्रिप्टो करेंसी। देखिए, CBDC जो है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है, ये कोई टाइप की क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ना ही प्राइवेट करेंसी है, ना ही कोई वर्चुअल करेंसी है। सिर्फ ये एक डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी है एक करेंसी ही जिसको RBI एंड गवर्नमेंट फुली सपोर्ट कर रहे हैं, है एक करेंसी ही, बट ये डिजिटल फॉर्म में है, सिर्फ इतना ही अंतर है। इसको आप प्राइवेट वर्चुअल करेंसी अथवा क्रिप्टो करेंसी से कंफ्यूज मत करना, ठीक है। इट विल बी सॉवरन बैक्ड डिजिटल करेंसी। सॉवरन बैक मतलब कि गवर्नमेंट इसको बैक कर रही है, ठीक है, सपोर्ट कर रही है। कुछ इसके बेनिफिट होंगे, तभी तो गवर्नमेंट कर रही है, नहीं तो क्यों करेगी गवर्नमेंट इसको बैक, ठीक है। देखिए, फॉर सोशल बेनिफिट आर अनदर टारगेटेड पेमेंट अ कंट्री, इसके कई बेनिफिट है। CBDC कुड यूज एज अ फास्टर क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस पेमेंट। जो भी क्रॉस बॉर्डर
पेमेंट करने होते हैं, रिमिटेंसेस आते हैं, लाइक इंडिया में पेमेंट आ रहा है यूएस से, यूएई से, या फिर किसी और रसिया से, कहीं से भी आ रहा, तो उसमें तेज़ी होगी, स्पीड से काम होगा, इसलिए ये होता है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब आप समझते होंगे कि मोस्ट ऑफ द पब्लिक या मैक्सिमम पब्लिक उसमें शामिल हो, उसको यूज़ करें, वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट होता है। जैसे हम आपने नाम सुना होगा कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट गोल अथवा इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ये सब हम एक अलग सेपरेट टॉपिक है उसमें पढ़ते हैं, ठीक है। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट में यूनिवर्सल एसेस एट्रीब्यूट्स ऑफ अ सीबीडीसी कुड आल्सो इंक्लूड एन ऑफलाइन पेमेंट फंक्शनलिटी, ठीक है, एंड हेल्पिंग ब्रिज द डिजिटल डिवाइड। जो भी अभी डिजिटल डिवाइड में गैप आ रहा है उसको ब्रिज करना, उसको फुलफिल करना उसमें यूजफुल होगी, ठीक है। इंस्टेंट लैंडिंग टू MSME जो होता है, मतलब तुरंत लैंडिंग हो जाएगी, संभव है, ठीक है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि ये जो है कास्ट को रिड्यूस करेगा। कौन सी कास्ट? जैसा कि अब मैं अभी आपको बता गया कि जो इंडिया में क्या है कि हाई करेंसी टू GDP रेशियो जो है वो बहुत हाई है, तो उस कास्ट को रिड्यूस करने के लिए, इट ऐड टू द कास्ट ऑफ प्रिंटिंग, जो भी हमारी कास्ट होती है, जैसे कि हम करेंसी प्रिंट कर रहे हैं, अभी डिमोनिटाइजेशन हुआ था जो 2016-17 में, तो उसमें जो प्रिंटिंग में पैसा लगा, अब आप समझ सकते हैं कि कितना पैसा लगा होगा रातों रात अगर पुरानी करेंसी को बंद करके एक नई करेंसी लाना फिजिकल फॉर्म में, तो उसको कितने टाइम पहले से उसकी प्रिंटिंग चल रही होगी, ट्रांसपोर्ट करने में भी पैसा लगता है, उसको स्टोर करने में भी तो एक पैसा, मतलब कि फ़ंड या फिर सिक्योरिटी लगती है, तो सब गवर्नमेंट का ये एक्सपेंसेस ही होता है ना, तो इन चीज़ों को रिड्यूस करेगा, ठीक है, इनकी कास्ट जो लगती है उसको रिड्यूस करेगा। ऑफिशियल डिजिटल करेंसी वुड रिड्यूस कास्ट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट, करेंसी का मैनेजमेंट भी होता है, उसको रिड्यूस करेगा, वेल इनेबलिंग रियल टाइम पेमेंट। अभी जो रियल टाइम पेमेंट का मतलब कि आप जैसे UPI से इंस्टेंट पेमेंट करते हैं, इमीडिएट पेमेंट, ठीक है, तो इस टाइप के पेमेंट को और ये इनकरेज करेगा, बढ़ावा देगा, विदाउट एनी इंटरबैंक सेटलमेंट। अभी इंटरबैंक, सपोज ऐसा आप समझिए कि आप फोन पे पर जो इतने सारे बैंक को एक साथ जोड़ देते हैं ना, तो उसमें क्या है, वो इंटरबैंक सेटलमेंट है, तब तो जोड़ पाते हैं, अदरवाइज आप जैसे SBI का अलग हो गया, तो SBI में सिर्फ SBI का ही आप यूज़ कर पाएंगे, तो फोन पे में सभी के, तो वो एक इंटरबैंक का सेटलमेंट होता है वो आपस में, ठीक है, तो उसकी भी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। कुछ इसके चैलेंजेस भी हैं, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, मतलब कि नेशनल डिजिटल करेंसी के, इसके चैलेंजेस ये हैं कि देखिए ये पोटेंशियल साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स बढ़ेगा इससे। आप समझ रहे हैं कि सब काम अगर डिजिटली होगा तो डिजिटली में सिक्योरिटी थ्रेट्स तो रहता ही है, जैसे कहते हैं ना किसी किसी के ये डिफरेंट टाइप के मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स आते हैं कि आपका ये हो गया ऐसा, तो वो फिर कुछ प्राइवेसी डिटेल्स मांग लेते हैं जिसके थ्रू पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं और वो पूरा पैसा उनके अकाउंट से निकल जाता है, साफ हो जाता है, तो वो चीज़ें भी, उसका भी थ्रेट्स ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन डिजिटल लिटरेसी, अभी आपको पता है कि हमारे इंडिया में डिजिटल लिटरेसी कितनी कमज़ोर है, कितनी कम है ना, तो उसमें भी अगर पब्लिक को उसकी लिटरेसी नहीं रहेगी, उसकी समझ नहीं रहेगी डिजिटल फॉर्म की, करेंसी की, तो पब्लिक उतना अच्छे से या उतना जल्दी कैसे यूज़ करेगी उसको, तो ये भी एक चैलेंजेस है, ठीक है। इसी विथ रेगुलेशन, ट्रैक मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड परचेज एंड टैक्सिंग इंडिविजुअल, ये सब भी प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। थ्रेट्स टू प्राइवेसी, डिजिटल करेंसी मस्ट कलेक्ट सर्टेन बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंडिविजुअल सो दैट पर्सन कैन प्रूव ही इज़ द होल्डर ऑफ द डिजिटल करेंसी। मतलब ये कि जो डिजिटल करेंसी अगर आप इसको यूज़ करेंगे जब, तो उसमें इंडिविजुअल की कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन, लाइक आपका आधार नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, और आपको पता है कि आज के टाइम में आधार नंबर या मोबाइल नंबर किसी भी चीज़ के लिए, इन थ्रेड्स को बढ़ावा देने के लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, तो जिसके कारण कि कौन ये सब थ्रेड्स भी प्राइवेसी का भी बढ़ जाएगा, तो आपको इन सब चीज़ों से अवेयर रहना है। कुछ एक कमेटी थी SC गर्ग कमेटी, 2019 में इसने कुछ अपना रिकमेंडेशन दिया था, बैन एनीबडी हु माइन होल्ड अ ट्रांजेक्ट अ डील विद क्रिप्टो करेंसी, उसको बैन कर दो, इसने ये बैन करने की बात करी थी, ठीक है। ये कमेटी SC गर्ग कमेटी, इट रिकमेंड जेल टर्म ऑफ 1 to 10 ईयर फॉर एक्सचेंज और ट्रेडिंग इन डिजिटल करेंसी, 1 से 10 साल की जेल के लिए ये कमेटी जो है रिकमेंडेशन अपना दी थी। इट प्रपोज मॉनिटरी पेनाल्टी ऑफ अप टू 3 टाइम्स द लॉस ऑफ कर्स टू द एक्सचेकर
आर गेन मेड बाई क्रिप्टो करेंसी यूज़र, विच वर इज़ हायर, इन दोनों में से जो भी अगर हायर है, मतलब जिसको लॉस हो रहा है अगर उसको जितना लॉस हुआ है, या क्रिप्टो करेंसी वाले को जितना फ़ायदा हुआ है, ठीक है, उनमें से जो भी ज़्यादा है उसका 3 गुना उसको पेनल्टी लगेगी मॉनेटरी फॉर्म में, ठीक है। जबकि पैनल ये भी बोला था, गवर्नमेंट शुड कीप एन ओपन माइंड ऑन द पोटेंशियल इशू ऑफ द क्रिप्टो करेंसी बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI सारा काम कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये पूरा, तो उसको ये भी करना पड़ेगा कि जो पोटेंशियल है, मतलब जितने इशू आ रहे हैं उसके लिए एक पैनल भी गवर्नमेंट बैठाए उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। व्हाट गवर्नमेंट शुड डू टू रेगुलेट क्रिप्टो करेंसी, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये मेंस में आप इसको, इन पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं इफेक्टिवली। देखिए, इन एक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन मेज़र, डेफिनेटली ये तो करना ही चाहिए कि जो भी कंज्यूमर्स को प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए गवर्नमेंट को, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे। कैसे मेजर्स? लाइक पेमेंट गारंटी, ठीक है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम एड्रेसल होना चाहिए, डिस्प्यूट को एड्रेस करें, ठीक है। फॉर दिस क्रिप्टो करेंसी बेस्ड बिजनेस कैन बी टेस्टेड इन रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, जैसे RBI का रेगुलेटरी सैंडबॉक्स होता है ऐसे, मतलब कुछ, मतलब एक आप यूँ समझिए कि एक ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सिस्टम बनना चाहिए, एक पोर्टल बनना चाहिए, RBI बनाए या गवर्नमेंट बनाए, तो जहाँ पर लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स है उनको एड्रेस किया जाए, सॉल्व किया जाए। रेगुलेशन ऑफ द डिजिटल करेंसी एक्सचेंज एंड एडमिनिस्ट्रेशन, लाइक 2020 में EU ने एक ऑफिशियल करेंसी रिलीज़ की थी जिसका नाम था माइका, माइका का फुल फॉर्म है जो मार्केट इन क्रिप्टो एसेट, ठीक है। बैनिंग रेगुलेशन, बैनिंग क्रिप्टो करेंसी माइट ड्राइव क्रिप्टो ट्रांजेक्शन अंडरग्राउंड, ठीक है। अभी जो गवर्नमेंट को बात कर रहे थे कि अभी इंडिया में प्रॉब्लम्स क्या है, लिटरेसी की कमी है ना, तो उसके लिए यही है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, तो गवर्नमेंट उसमें कुछ अवेयरनेस के लिए कुछ प्रोग्राम्स चला सकती है, या कुछ लिटरेसी के प्रोग्राम जो हैं उनको ज़्यादा प्रमोट कर सकती है। गवर्नमेंट शुड मेक पब्लिक अवेयर ऑफ द क्रिप्टो करेंसी एंड इट्स थ्रेट्स, ये भी जरूरी, बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ उसके पब्लिक के पॉजिटिव के बारे में ही नहीं, बल्कि उसके निगेटिव क्या हैं, उसके थ्रेट्स क्या हैं, उसके बारे में भी पब्लिक को जानकारी होनी चाहिए। अलाउ फ्रेमवर्क फॉर टैक्सिंग डिजिटल करेंसी ट्रांजेक्शन टू अवॉइड टैक्स इवेजन, जैसे आज आप देखते हैं कि जो फिजिकल मतलब करेंसी फॉर्म है उसमें पब्लिक क्या है, अपने टैक्सेस को इवेट कर लेती है पब्लिक गवर्नमेंट के सामने, वो पैसे की अमाउंट्स की एग्जैक्ट फिगर नहीं रखती है, पब्लिक के पास इनकम कुछ और होगी तो पब्लिक उनको मिनिमाइज करके पता नहीं कितने टाइम्स कम करके बताती है, जिससे उसको टैक्स में अवॉइडेंस मिले, इवेजन मिल जाए, या टैक्स ना देना पड़े। तो उन चीज़ों को भी गवर्नमेंट को समझना पड़ेगा और उसके लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। जो ट्रांजेक्शन होते हैं, ट्रांजेक्शन में फॉर नाउ कंट्री शुड बैन रिटेल क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन और बी यूज एज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, लाइक चाइना एंड बेल्जियम ये सब यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ट्रांजेक्शन बैंकों के बीच। नास्काम जो है, इट से दैट गवर्नमेंट शुड वर्क टूवर्ड्स डेवलपिंग अ रिस्क बेस्ड फ्रेमवर्क टू रेगुलेट एंड मोनिटर क्रिप्टो करेंसी एंड टोकन, जो क्रिप्टो करेंसी में अभी जो है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, उसमें इतने रिस्क हैं, तो इसमें नास्काम ने ये सजेस्ट किया है कि गवर्नमेंट को रिस्क बेस्ड फ्रेमवर्क को रेगुलेट एंड मोनिटर करना चाहिए, ठीक है। द क्रिएशन ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी विल बी पॉजिटिव स्टेप, है तो ये पॉजिटिव स्टेप, ठीक है, क्योंकि सारी प्रोसेस को स्पीड अप कर देगा, बहुत सारे फंड्स को, गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस को बचा लेगा। कैन बेटर कंट्रोल द मनी सप्लाई एंड वॉलेटिलिटी, जो भी उसकी है मनी सप्लाई उसको अच्छे से कंट्रोल करेगा, एंड ऑल्सो हेल्प इन क्विक फाइनेंशियल डिस्बर्सल और बजट सम बेस्ड ऑन द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। क्रिएटिंग क्रिप्टो करेंसी इको सिस्टम बाई इम्प्रूविंग फाइनेंशियल लिटरेसी, मतलब ये सब क्या है कि उसको क्रिएट करने के लिए या उसको कहते हैं बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, तो इम्प्रूविंग फाइनेंशियल लिटरेसी, इम्प्रूविंग साइबर सिक्योरिटी जो है, डिजिटल पेनिट्रेशन, इन सबको बढ़ावा देना चाहिए गवर्नमेंट को। ग्लोबल गवर्नेंस थ्रू UN अथवा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड अलाउ क्रॉस बॉर्डर रेगुलेशन एंड ट्रांसपेरेंट सिस्टम ऑफ डिजिटल करेंसी, इन सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट को ये कदम उठाने पड़ेंगे, ठीक है। इतना क्रिप्टो करेंसी के बारे में हमने पढ़ लिया,
क्रिप्टो करेंसी हमने समझ लिया कि गवर्नमेंट जो है उसको फुली फिएट करेंसी होती है इसलिए फुली बैक करती है। गवर्नमेंट के ऑन द बिहाफ पर इसको रिजर्व बैंक, इंडिया में रिजर्व बैंक है। रिजर्व बैंक क्या है? इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल बैंक है। ऐसे ही जैसे इंडिया में सेंट्रल बैंक RBI है, वैसे ही सभी देशों में अलग अलग कंट्रीज़ में उनकी खुद की एक सेंट्रल बैंक होती है। सेंट्रल बैंक जैसे हम US का एग्जांपल लें तो US में फेडरल बैंक है, फेडरल रिजर्व बैंक है, चाइना की चाइना बैंक है, ठीक है, जापान में है, सभी कंट्री की उनकी एक सेंट्रल बैंक होती है। तो इंडिया में RBI इसको रेगुलेट कर रही है, सब कुछ पूरा मेंटेन कर रही है। तो उसी पर बेस्ड हम देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, ये सब हैं, ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसको डायरेक्ट गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के अंडर में सब कुछ हो रहा है बट इसको RBI कर रही है। आप कहीं और से लिंक मत कर लेना कि इसको SBI कर रही है या IDBI, HDFC, ICICI ये सब कर रहे हैं, नहीं, सेंट्रल बैंक कर रही है। क्योंकि करेंसी जो हैं या फिर क्वाइंस जो हैं, नोट्स, क्वाइन, इन सबको मेंटेन करना, रेगुलेट करना RBI ही करती है। RBI मतलब कि यहाँ इंडिया की सेंट्रल बैंक, तो सारे कंट्री की सेंट्रल बैंक ही करती है। इंडिया के केस में RBI हो गई, तो ये सब सेंट्रल बैंक का काम होता है। ये कोई कमर्शियल बैंक जैसे मैं अभी जिनका नाम लिया, ये सब नहीं करते, इनका काम नहीं है। इनका काम तो सिर्फ पब्लिक को लोन देना या उनसे फंड सेविंग या और डिफरेंट मेथड के थ्रू फंड को इधर उधर बस मार्केट में चलाना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। 2018 में आया हुआ UPSC का क्वेश्चन है, प्रीलिम्स का। विथ रेफरेंस टू डिजिटल करेंसी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वीम ऐप अलाउ द यूज़र टू ट्रांसफ़र मनी टू एनी वन विथ UPI इनेबल बैंक अकाउंट। क्या ये सही है या गलत है? वाइल ए चीप पिन डेबिट कार्ड हैज़ अ 4-फैक्टर ऑफ ट्रांजेक्ट ऑथेंटिकेशन, ठीक है, द भीम ऐप हैज़ ओनली 2-फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन। आपको करेक्ट बताना है। अब सोचिए 10 सेकेंड के लिए, वीडियो को पॉज करिए, सोचिए, क्योंकि जब तक आप अपनी दिमाग, अपनी माइंड यूज़ नहीं करेंगे तब तक आप को ज़्यादा इन क्वेश्चन से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया, आपने पढ़ लिया, पर वो माइंड में वो चीज़ें स्ट्राइक नहीं करती हैं। अपने माइंड पर जोर डालिए थोड़ा सा। देखिए, भीम ऐप अलाउ यूज़र टू ट्रांसफ़र मनी टू एनी वन, सही बात है, विद UPI। UPI मतलब जैसे हम फ़ोनपे यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट पहला। दूसरा देखते हैं, वेल चिप इन डेबिट कार्ड हैज़ अ 4-फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन, सही है ये, बट यहाँ पर जो बोले भीम ऐप हैज़ ओनली 2-फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन, नहीं, भीम ऐप में 3-फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन होता है, 3-फैक्टर। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ठीक है। देखिए यही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि भीम ऐप UPI इनेबल इनिशिएटिव जो है क्विक एंड ईजी, तो ये तो हम जानते ही हैं, पेमेंट है, NPCI ने इसको डेवलप किया है, ठीक है, 3-फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन है। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल सिग्नेचर, ध्यान से देखना आप, सिग्नेचर है, डिजिटल सिग्नेचर ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दैट आइडेंटिफाई द सर्टिफाइंग अथॉरिटी इशूइंग इट, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी, जो अथॉरिटी है उसको आइडेंटिफाई करता है क्या, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है, यूज़ टू सर्व एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, टू एसेस इन्फॉर्मेशन आर सर्व एज अ इंटरनेट। तीसरा स्टेटमेंट है, एन इलेक्ट्रॉनिक मेथड ऑफ साइनिंग इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स एंड इंश्योरिंग दैट ओरिजिनल कंटेंट इज अनचेंज्ड। आप सोचिए, इसका आंसर दीजिए, इसमें करेक्ट बताना है आपको। देखिए, पहला जो स्टेटमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दैट आइडेंटिफाई द सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू इशूइंग इट, नहीं, ये उसको अथॉरिटी को आइडेंटिफाई नहीं करता है, ये किसी टाइप का सर्टिफिकेट नहीं होता है। दो चीज़ें होती है, एक सिग्नेचर होता है, ठीक है, और एक सर्टिफिकेट होता है, मतलब कि डिजिटल सिग्नेचर हो गया एंड डिजिटल सर्टिफिकेट हो गया। तो यहाँ पर ये जो पहला स्टेटमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दैट आइडेंटिफाई सर्टिफाइंग अथॉरिटी, ये डिजिटल सर्टिफिकेट के लिए है, ये डिजिटल सिग्नेचर के लिए नहीं है, आपको सिग्नेचर के बारे में पूछा है, ठीक है। सेकेंड, यूज टू सर्व एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, आप ये बताइए, आपको RBI जो है कोई एक सिग्नेचर, मान लीजिए आपने किसी डॉक्यूमेंट्स पर अपलोड किया कहीं भी सिग्नेचर, तो क्या वो सिग्नेचर वो आपकी आइडेंटिटी होती है क्या? वो आइडेंटिटी को आपको, इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को शो करता है, लाइक आधार कार्ड, उस पर आपकी सिग्नेचर तो नहीं है, तो वो चीज़ नहीं है, वो एक क्या है, एक सर्टिफाइड अथॉरिटी होती है, डिजिटल अथॉरिटी होती है,
मतलब डिजिटल सर्टिफिकेट होता है, जैसे आधार नंबर हो गया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आपका पासपोर्ट हो गया, ये क्या होते हैं? डिजिटल सर्टिफिकेट होते हैं, ये साइन नहीं होते। तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी बात कर रहा है डिजिटल सर्टिफिकेट की, ठीक है? आपको सर्टिफिकेट और सिग्नेचर में डिफरेंस समझना है। तीसरा, अब पहला दोनों पहले या फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गए तो वो आप ऑलरेडी निकाल सकते हैं कि पहला इसमें है, इसमें है, सेकंड स्टेटमेंट इसमें है, तो आंसर तो आपका आ चुका है ओनली थर्ड। देखते हैं तीसरे को, तीसरे स्टेटमेंट में क्या कह रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मेथड ऑफ साइनिंग, ये देखिए, साइनिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स एंड इंश्योरिंग दैट ओरिजिनल कंटेंट इज अनचेंज्ड, ये सही है। ये क्या होता है, किसी भी डिजिटल डॉक्यूमेंट्स में ये इसकी एक साइन होती है जिससे उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को इंश्योर करे कि ये इसी ने किया है, ठीक है? उसको अनचेंज रखता है, मतलब चेंज नहीं होने देता। तो इसका तीसरा सी स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, बाकी दो गलत हैं, ठीक है? क्या है जस्टिफिकेशन में, आप देख लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द डिजिटल सिग्नेचर एंड डिजिटल सर्टिफिकेट, ध्यान रखना है आपको, मतलब कि डिजिटल सिग्नेचर में एंड डिजिटल सर्टिफिकेट में आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। देखिए, डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, इज एन इलेक्ट्रॉनिक मेथड ऑफ साइनिंग इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, ठीक है? अब ध्यान रखना है, साइनिंग इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, फेयर एज डिजिटल सर्टिफिकेट जो है आर द डिजिटल इक्विवेलेंट अथवा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट अब वो फिजिकल और पेपर सर्टिफिकेट, ठीक है? इसके एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं। फिजिकल सर्टिफिकेट, ड्राइवर्स लाइसेंस, ठीक है, जिसको ड्राइविंग लाइसेंस बोलते हैं, पासपोर्ट हो गया, मेंबरशिप कार्ड हो गया, किसी भी चीज़ का आधार कार्ड हो गया, ये क्या है, एक सर्टिफिकेट होते हैं डिजिटली, ठीक है? पेपर फॉर्मेट में तो हम उसको प्रिंट करवाते हैं, बट वो एक सर्टिफिकेट होते हैं जिसको एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी इश्यू करती है ना? सिग्नेचर वो नहीं होते हैं। डिजिटल सिग्नेचर इज नॉट रिकॉर्ड, डिजिटल सिग्नेचर कोई रिकॉर्ड नहीं होता, बट सर्टिफिकेट इज, मतलब जो रिकॉर्ड है वो डिजिटल सर्टिफिकेट ही होता है, डिजिटल सिग्नेचर कोई रिकॉर्ड नहीं होता, इसलिए पहला स्टेटमेंट तो वहीं से इनकरेक्ट हो गया था, ठीक है? डिजिटल सर्टिफिकेट इज यूज्ड बाय ट्रस्टेड थर्ड पार्टी, ये ध्यान रखना, ट्रस्टेड थर्ड पार्टी, ऐसा नहीं कि आप किसी से भी जाके बनवा लें, ट्रस्टेड थर्ड पार्टी टू एस्टेब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ सर्टिफाइंग सर्टिफिकेट होल्डर, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास पासपोर्ट है, तो एक पासपोर्ट कहीं एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी जिसके पास वो पावर है, वो उसने बनाया है, इशू किया है, तो वो आपके लिए बनाया है, तो वो आपकी आइडेंटिटी को होल्ड करेगा ना, आइडेंटिटी आपकी शो करेगा, उसको आप कहीं दिखाएंगे या कहीं ले जाएंगे, तो मतलब कि उसके कारण आपकी आइडेंटिटी रिवील होगी, ठीक है? इट इज़ यूज्ड टू सर्व एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, टू एसेस द इंफॉर्मेशन और सर्वर इन द इंटरनेट, ठीक। डिजिटल सर्टिफिकेट हेल्प्स प्रिवेंट समवन फ्रॉम यूजिंग फोनी की आर इम्परसोनेट समवन एल्स, फोनी की का मतलब कि कुछ परसुएट करना, मतलब कि होना कुछ होना कोई एक इंडिविजुअल और शो करना कि मैं वो दूसरा कोई इंडिविजुअल हूँ, या कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन उसके थ्रू देना, उसको फोनी की कहते हैं, मतलब कि मिसलीड करना, आप समझ सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आज का ये सेशन है। आप में कोई भी आपके मन में क्वेरीज हैं, ठीक है, आप कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, कुछ और टॉपिक्स पर आपको वीडियो अगर चाहिए तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं, अगर आपके कुछ लोगों की डिमांड रही तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है? देखिए, हमारा मोटिव है कि मैं आपको टू द पॉइंट बात करूं, ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करूं, जो भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वही चीज़ आपको पढ़ाऊंगा, वही चीज़ आपके लिए यहाँ पर लाऊंगा, ताकि आप उसके बारे में आपको अच्छी जानकारी मिले, आपको नॉलेज मिले, आप उसको एग्ज़ाम में यूज़ कर पाएँ, या एग्ज़ाम के अलावा जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हमें इंटरव्यू में पूछ दी जाती हैं, तो वो भी ज़रूरी है कि आपको उन चीज़ों की अच्छी समझ होनी चाहिए, अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये जो पॉइंट्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ केवल प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आप इसको मेंस में एक बेहतरीन पॉइंट्स के फॉर्म में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो बिल्कुल आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें इसको, ठीक है? मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है? मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक ले, थैंक यू।